सेकंड डे है और आज हम जर्नी करने वाले हैं मुंबई शहर के लिए। कल हम आपको लेके आए थे शिमला हिमाचल प्रदेश से अपने दिल्ली के शहर में, और आज हम आपको वापस दिल्ली से ले जाने वाले हैं मुंबई शहर। तो ये हमारी ट्रेन 22222 आपकी मुंबई जाने वाली राजधानी, जो एक अलग रूट से होके जाती है, उस राजधानी में हम आज सफ़र करने वाले हैं। और ये फर्स्ट एसी में अभी अभी हमें पता चला है, हमें कोप मिल चुका है। तो अब हम अपने कोप में का आपको कोप का भी इंटीरियर बताऊंगा मैं, कैबिन का भी इंटीरियर अगर हो सकेगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि ट्रेन मुझे काफ़ी फुल लगी है। तो इसके बाद अभी हम आपको इंटीरियर दिखाएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ है फर्स्ट एसी में वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें अभी वैप 7 लगा हुआ है और अभी हमारी फर्स्ट एसी में कंफर्म हो चुका है हम कोप में जा रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत रेयरली होता है कि किसी दो लड़कों को एक साथ कोप दे दिया गया, बट हमें कोप मिल चुका है। तो चले इंटीरियर देखते हैं अंदर का भी, और बाथरूम वगैरह की फैसिलिटीज भी देखेंगे। तो ये यहाँ से आज हम सफ़र करने वाले हैं शाम को 4:55 पे, और कल सुबह हम पहुँचेंगे मुंबई 11:55 पे। तो हम देखते हैं कैसा ये सफ़र रहेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होती है फर्स्ट एसी में। फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फर्स्ट एसी में, आप लोगों को वर्चुअल जर्नी करवाऊँगा फर्स्ट एसी की। तो चलिए अंदर इंटीरियर में चलते हैं। तो गाइज अभी मैं अपने कूप के इंटीरियर में हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी पेंटिंग है यार, बहुत प्यारी पेंटिंग है। यहाँ पे ये फ्लावर्स है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, बट बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि दूसरी तरफ, क्योंकि इसमें जो कैमरा है उसमें जो स्क्रीन है वो स्विफ्ट नहीं होती है, स्विच नहीं होता है। तो मैं अभी आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये ही होने वाला है अगले 16 घंटों के लिए हमारा आशियाना, और यहाँ पे हमारे को दो पिल्लो वगैरह बेडशीट वगैरह मिल चुके हैं। ये अपना लगेज हमने रख लिया है, और ये सीट हमारे कुलदीप भाई को ऊपर डबल बेड मिल चुका है अच्छे से, और ये हमारे लिए वहाँ पे प्रॉपरली एक डस्टबिन रखा गया है। और ये किचन का सामान यहाँ से अभी लोड कर रहे थे, और मतलब विंडोज़ यार काफ़ी साफ़ सुथरी है, बहुत अच्छा है। देखो अब आप बाहर बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हो, और बहुत अच्छा है। ये यहाँ से चढ़ने के लिए है, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर के चढ़ने के लिए, कर्टन यहाँ पे मिला हुआ है हमें, और ये दरवाज़ा यहाँ से क्लोज हो जाता है और आपका अपना पर्सनल रूम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए वाटर बॉटल के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, और ये जो आपकी अटेंडर बेल है वो है यहाँ पे, चार्जिंग सॉकेट लगे हुए हैं, मिरर है, मिरर में आप हमें देख रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है यार, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, पूरी तरह से इसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि यार आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेशन देता है यार। गाइस तो मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ के बाथरूम में, तो आप देख सकते हो कितना साफ सुथरा है यार काफ़ी, और यहाँ पे पानी है, और आई थिंक हाँ साबुन आ रहा है, पेपर शॉप बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए आया, और मैंने ये हाथ गीले कर लिए, बाकी अच्छा है यार, काफ़ी नीट एंड क्लीन है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से है, बस इसमें इतना सा था इंटीरियर, बट अच्छा है। वहाँ पे पता नहीं, उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है वो किस लिए है, बट है। तो गाइज ये है फर्स्ट एसी का शावर एरिया, यहाँ पे आप शावर वगैरह ले सकते हो, ये गीजर लगा हुआ है, यहाँ पे बढ़िया सा शावर ले सकते हो, यहाँ पे पानी होगा ही, तो यहाँ पे आप बढ़िया आराम से शावर ले सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज देखो मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, प्लीज़ यार लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं अब अपने कोप में चलते हैं, कैबिन आपको दिखाना चाहता था, बट कैबिन काफ़ी फुल हो चुका है। मुंबई अमृतसर, मुंबई अमृतसर बहुत ही खतरनाक स्पीड में अभी हजरत निजामुद्दीन से निकलते हुए बहुत ही तेज रफ्तार में
पश्चिम एक्सप्रेस जिसे भी आप नाम से जानते हैं, बहुत तेज़ रफ्तार में अभी हजरत निज़ामुद्दीन से क्रॉस हो चुकी है। ये देखिए आप, क्या बेहतरीन क्रॉसिंग थी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है और ये यहाँ पे तो गाइज अभी एक मिनट की देरी से हमारी ये ट्रेन यहाँ से निकली है। तो गाइज़ अभी हमारे पास ये स्नैक्स आ चुका है और इसमें आप ये देख सकते हैं कचौड़ी है और एक ये सैंडविच और ये आलमंड का आए हैं हमारे पास। ओके, और अभी ये कप वगैरह देखे गए हैं, फ्रेश मैंगो जूस और साथ में सोन पापड़ी है। तो ये हमारा सारा है अभी, और बाकी इसमें कटलरी वगैरह है। IRTC ने जो IRCTC का कटलरी हमारे पास आ चुका है। बाकी अभी देखते हैं चाय या कॉफ़ी क्या देते हैं ये, अगर हो सके तो हम कॉफ़ी लेंगे क्योंकि बहुत टाइम से आज चाय पीते रहते हैं, बट कॉफ़ी को चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। और वैसे भी मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ, तो ये अब मत ये बोलते हैं कि सर आप फूड वीडियो बनाते हो आप चाय नहीं पीते हो, बट मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो चलिए देखते हैं चाय या कॉफ़ी क्या आता है। गाइस अभी मैं इस कचौरी को टेस्ट करने वाला हूँ। कचौरी काफ़ी गर्म है। कचौड़ी काफ़ी अच्छी है यार, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कचौड़ी है। बाकी सारी आइटम यार पैकड है। हाँ, कॉफ़ी हमने ली है, उसको टेस्ट कर लेते हैं। वही बात है यार, थोड़ा सा जो चीनी है उसकी थोड़ी सी कमी है, बाकी बहुत अच्छा है। बाकी तो सारा पैक फूड है जो आपको मैंने बताया था, बादाम है, सोन पापड़ी है और सैंडविच है वो वैसे ही। तो जल्दी से मैं इसको फिनिश करता हूँ और फिर आपको दिखाते हैं कुछ बेहतरीन से नज़ारे। तो चलिए पहले मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छा है यार, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हैंड सैनिटाइज़र था और वेट पीस भी था हमारे पास, एक वेट वाइप था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छा लगा हमें। बाकी अभी मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ और फिर बाकी बाद में हमें अभी बताएंगे कि इनको आज ये जो अभी स्नैक्स मिला है ये किस तरह का लगा, इनको क्या क्या। तो कुलदीप जी आप बताइए, आपको स्नैक्स कैसा लगा। देखिए स्नैक्स एकदम फर्स्ट क्लास। अगर सैंडविच की बात करें तो बहुत ही अच्छा, डिलीशियस खाने में। ओके, कॉफी की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब। बाकी तो साथ में जूस दिया गया है और सोन पापड़ी साथ में खाने के लिए। बाकी थोड़ा सा आपको शुभम जी ने बताया होगा कि आलमंड भी दिए गए हैं, वो हमने उड़ा दिए वो हमने उड़ा दिए, बहुत अच्छा है। तो आपको मजा आ रहा है ना फर्स्ट स्टेशन। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी हम फिनिश कर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं इस यात्रा के पहले हॉल्ट आगरा कैंट पे, और आगरा जो फेमस है वो है अपने पेठे के लिए। और यहां पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का, उसके बाद ये ट्रेन यहां से निकल जाएगी। तो आगरा अपने ताजमहल और पेठे के लिए बहुत फेमस है। तो अब हमारा जो अगला हॉल्ट होगा वो यहाँ से अगला स्टेशन पे होगा, बट मेरे माइंड से स्किप हो चुका है कौन सा स्टेशन है अगला, पर आई थिंक शायद ग्वालियर है अगला जो स्टॉपेज है वो ग्वालियर है। तो बहुत जल्द अब यहाँ से ट्रेन निकल जाएगी। अंदर थोड़ी देर में हमें सूप सर्व होने वाला है फर्स्ट एसी में, तो चलिए अंदर चलते हैं फर्स्ट एसी में और देखते हैं कैसा सूप हमें प्रोवाइड करवाया जाता है। तो गाइस अभी ये हमारे पास ब्रेड स्टिक्स है और नोवा का बटर है, बट सबसे पहले मैं सूप को कर लेता हूँ क्योंकि यार पेंट्री से बना हुआ गरम गरम सूप है यार, इसको कोई क्यों ही छोड़ना चाहेगा।
यार देखो बिल्कुल फ्रेश टोमेटो सूप है, बहुत अच्छा है, और इसमें सॉल्ट एंड पेपर दिया हुआ है, आपकी चॉइस है आपको लेना है नहीं लेना। जैसे मुझे तो बिल्कुल ओके लगा, और साथ में ब्रेड स्टिक्स है, तो बहुत अच्छा है यार, फ्रेश बना हुआ है। सबसे खास बात है फर्स्ट एसी की खासियत ये है कि आपका फ्रेश और फ्रेश पेंट्री से बन के आता है, तो जल्दी से हम इस सूप को फिनिश करते हैं और फिर डिनर भी आएगा थोड़ी देर में, उसको आपके साथ इंजॉय करेंगे। पर एक बात बताएं कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन से गांव से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि यार आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक घूमती है। तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और जब यहाँ तक आप सूप तक पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा यार। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं और फिर आपसे डिनर पर मिलते हैं। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर, ये इस ट्रेन का सेकंड स्टॉप है, और अब हम यहां के बाद अगले स्टॉपेज पे जो रात के करीब रात रात में आएगा आई थिंक रानी लक्ष्मीबाई, तो वहां पे हमारा रुकने का है। बट अभी देखेंगे 9:30 के करीब अगर वो आ जाता है तो हम वहां पे भी शूट करेंगे। बट ये सेकंड स्टॉप है इसका, आगरा कैंट आया था उसके बाद ये ग्वालियर सेकंड स्टॉप है। अब इसके बाद हमारा डिनर फर्स्ट एसी में सर्व होने वाला है, सूप हम पूरी तरह से कंज्यूम कर चुके हैं, अब हम जाएंगे डिनर की तरफ। तो चलिए 2 मिनट का हॉल्ट है, ज़्यादा मिनट का हॉल्ट यहाँ पर है नहीं, तो अंदर चलते हैं ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन का कोई भरोसा नहीं था, ये लेट है, अभी डिले चल रही है, तो कब जैसे वापस चल पड़े। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको डिनर भी दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है फर्स्ट एसी के डिनर फैसिलिटी में। तो चलिए अंदर चलते हैं अब डिनर की तरफ। गाइस अभी डिनर हमारा सर्व हो रहा है, हमने थोड़ा लेट करवाया था IRTC की। अगर आप फर्स्ट एसी में कर रहे हो तो ट्रैवल कर रहे हो आप, तो आप अपना करवा सकते हो थोड़ा सा अभी डिले, और अभी हमने थोड़ा सा डिले करवाया था क्योंकि अभी जो हमने सूप लिया था वो बहुत हैवी हो गया था, तो अभी हमने थोड़ा अपना डिनर को थोड़ा डिले करवाया, और अभी हम डिनर करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास पनीर का आइटम आ चुका है, एक सब्ज़ी आ चुकी है, और ये दाल आ चुकी है, और ये गर्मा गर्म हमारे कैटरिंग से, भैया कैटरिंग की तो मैं बात करूँगा बहुत टॉप क्लास, भाई साहब ने हमें किसी भी तरह से शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, ये भाई साहब हमारी पूरी दिलो जान से सर्विस में लगे हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है भाई के साथ। तो भाई सबसे पहले हम दाल की टेस्टिंग कर लेते हैं, दाल को मैं देख लेता हूँ क्योंकि ट्रेन बहुत हिल रही है, मेरे लिए बहुत हिल रही है, गर्मा गर्म दाल यार, काफ़ी सही टेस्ट है। पनीर हल्का सा ठंडा हो गया है बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छा। अब बारी आई है सब्जी की, सब्जी भी सही है, एक बाइट में चपाती के साथ ले लेता हूँ, पनीर की ले लेता हूँ पहले क्योंकि मेरा फेवरेट है ऑल टाइम। यार बहुत अच्छा पनीर, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा। आप नीचे जूम कर लीजिए, मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा खाना है। और सबसे खास बात है यार इस खाने की, खाना आपकी पेंट्री में बना हुआ है, बिल्कुल फ्रेश खाना है और गर्मा गर्म खाना। तो गाइस मैंने टेस्ट कर लिया है, ऐसा जो मेरा रिव्यू था मैं बोलता हूँ, मैं इसको 10 में से 9 रेटिंग दूंगा, गर्म है, फ्रेश है, बिल्कुल अच्छा खाना है, घर का खाना है। आप ऐसा नहीं, ऐसी टेंशन मत लीजिए कि घर का खाना है, बहुत अच्छा खाना है और बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी अब इसको हम फिनिश करते हैं, दोनों का खाना ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बंदा है यार उसका खाना भी ठंडा नहीं होना चाहिए, तो पहले इसको फिनिश करते हैं और आपसे फाइनल रिव्यू भी मिलेंगे आइसक्रीम के साथ, चलो ठीक है। तो गाइज इस वक्त हम आ चुके हैं इस रेल लाइन 2222 के तीसरे स्टॉप पे, जो है वीरंगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ये तीसरा हॉल्ट है इस ट्रेन का, और अभी हमने आपको अपना फर्स्ट एसी का डिनर भी दिखाया था। तो अब इस स्टेशन के बाद अगले
डे टू में ये रात को 12 बजे भोपाल जंक्शन पे रुकेगी। यहाँ पे इस स्टेशन पे इसका सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है और यही दो भोपाल और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जो ऐसे जंक्शन हैं जहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। अदरवाइज ये सभी स्टेशन पे 2 मिनट के लिए ही रुकती है। तो हमने अब डिनर कर लिया है, तो अब मैं आपको डिपार्चर पे मिलूँगा और उसके बाद मैं आपको आइसक्रीम वगैरह जो स्वीट इसमें फर्स्ट एसी में दी जाती है वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे, क्योंकि ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। तो चलिए अंदर डिपार्चर पे मिलते हैं। गाइज अभी देखो मैंने आपको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जंक्शन दिखा दिया है। भोपाल आने वाला है रात को 12 बजे के करीब, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी देर जग पाऊँगा क्योंकि अब खाना खा चुके हैं। अब स्वीट डिश आपके सामने आने वाली है, आपको पता ही है आइसक्रीम आने वाली है। तो उसके बाद अब हमारी जब सुबह आँख खुलेगी तब मैं इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँगा। बट यहीं पे मैं फर्स्ट पार्ट की एंडिंग कर रहा हूँ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जंक्शन पे, या तो फिर भोपाल पे अगर मैं उठा हुआ तो मैं भोपाल पे एंडिंग करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाएगी और नेक्स्ट पार्ट होगा आपका घाट सेक्शन जलगांव, नासिक, कल्याण वगैरह, ये सारे कल मैं मॉर्निंग में जो शूट करूँगा वो आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, अगर उठ गया तो फर्स्ट पार्ट में भोपाल जंक्शन आ जाएगा, अदरवाइज़ फिर मेरी तरफ से सॉरी रहेगी आप लोगों से, फिर सीधा जलगांव आएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए अभी अमूल की आइसक्रीम हमें मिल चुकी है और साथ में टिश्यू पेपर और स्पून, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि नहीं खाएं इतनी रात को। और ये हमारे कुलदीप भाई ने वनीला, क्योंकि इनका फेवरेट है वनीला, और ये कुलदीप भाई अब खाएंगे वनीला आइसक्रीम। तो कुलदीप भाई आप ही खाएं वनीला आइसक्रीम और बताएं कि कैसा है यहाँ की आइसक्रीम। वैसे तो पैकिंग वाली है यार, नॉर्मल सी बात है वैसी होगी, तो इसका तो क्या ही रिव्यू करना। तो चलिए अब आपसे अगर भोपाल में हो पाई मुलाकात तो होगी, अगर देखिए बैंड द स्कैन है तो